हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। आज हम आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर मसाला गुड़ की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और एकदम आसानी से आज हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे रोज रात को गुनगुनी दूध के साथ एक पीस खा लीजिए फ्रेंड्स। ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा और ये खून की कमी को भी पूरा करता है और एकदम खाने में एकदम सॉफ्ट होता है, मुंह में घुल जाता है बिल्कुल। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है और आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं मसाला गुड़ बनाना। मसाला गुड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इसको मैं नाइफ की मदद से इसको इस तरीके से कट कर लूंगी जिससे ये आसानी से पिघल जाएगा। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। इस मोटे वाले साइड से इसको हम ग्रेट भी कर सकते हैं। दो तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सारे गुड़ को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे गुड़ को कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और बाद में इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने सूखा नारियल ले लिया है जिसको गोला भी कहा जाता है। इसको हम नाइफ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी सी से ये भरपूर होता है और ये खून की कमी हो तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए इसे खाना बहुत ही अच्छा होता है। अब हम सारे नारियल को ऐसे पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको भी मैं साइड में रख दूंगी और बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं 1 कप कच्ची मूंगफली डाल दूंगी। अब इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम रोस्ट करेंगे। ये हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इनके छिलके भी उतरने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं नारियल को भी रोस्ट कर लूंगी। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसको जब तक रोस्ट करेंगे तब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा लाल रंग ना आ जाए इनमें। ये हमारा नारियल जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है। नारियल का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच सफेद तेल डाल रही हूँ और इनको भी मैं दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। सौंफ जो है काफी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। इसे खाने के बाद थोड़ा खा लेना चाहिए। ये दोनों चीजें भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। हमारी मूंगफली है जो ठंडी हो गई है और मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। अब इसको मैं एक मिक्सर जार में डालकर और इसका एक दरदरा पाउडर बना लूंगी। ये देखिए, मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन दरदरा पाउडर मसाला गुड़ में काफी अच्छा टेस्ट देता है। अब इसी जार में हम सूखा नारियल डाल देंगे। अब इसका भी हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने नारियल का एक दरदरा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। अब इस पे मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा और इससे मैं पूरी प्लेट को ग्रीस कर दूंगी। ये आप पहले ही कर लें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर रख देंगे। ये मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। आप इसमें देसी घी ही डालें, तेल ना डालें इसमें। अब इसपे हम जो हमने गुड़ को कट किया था वो डाल देंगे। अब इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये इसको 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और पानी डालने से क्या होगा, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये काफी अच्छे से पक भी गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम जो हमने मूंगफली का दरदरा पाउडर बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब इसमें हमने सूखे नारियल का पाउडर बनाया था वो भी डाल देंगे।
अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये सब चीजें डालते समय हमें गैस की फ्लेम को ऑफ ही रखना है। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च है हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होती है, और हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आधा चम्मच इसमें सोल्ट का पाउडर डालेंगे, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच जायफल का पाउडर डालेंगे, इसे आप थोड़ा ही डालें। और ये मैंने इसको डाल दिया है, और इसे भी हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें हम जो तिल और सौंफ को रोस्ट किया था उसको हमें इसमें डाल देंगे, और सारी चीजों को हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, वरना ठंडा हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में सेट करेंगे। अब हम मिक्सचर को इस प्लेट में डाल देंगे, जिसको मैंने अच्छे से घी के साथ ग्रीस कर लिया था। आपको ये सारे प्रोसेस एकदम जल्दी जल्दी करने हैं, वरना ये ठंडा हो जाएगा तो एकदम टाइट हो जाएगा। ये मैंने इसको प्लेट में अच्छे से सेट कर दिया है, और अब ये थोड़ा सा गर्म है तो इस पे हम नाइफ की मदद से ऐसे कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाने से बाद में जो ये हमारे एकदम क्लीन पीस के साथ निकल कर आएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सारे हम ऐसे ही पीसेस में कट कर लेंगे इसको। ये मैंने इस पे कट लगा लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको 15 मिनट हो गए हैं और ये काफी अच्छे से सेट हो गया है। अब इस पे हम एक बार और कट लगा लेंगे, जहां पर हमने निशान लगाए थे ना, वहां पर हम एक बार और कट लगा लेंगे। ये मैंने दोबारा से कट लगा लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। कट लगाने से बिल्कुल आसानी से इसके पीसेस एकदम क्लीन पीसेस निकल कर आएंगे, और सारे पीसेस हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, फटाफट से एकदम निकाल लेंगे हम, कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला गुड़ बनकर तैयार हो गया है, और एकदम आसानी से हमने इसे बना लिया है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। आप इसे रात को गुनगुने दूध के साथ एक पीस खा लेंगे तो ना आपको सर्दी होगी, ना आपको जुखाम होगा, और ये खून की कमी को भी पूरा करता है। और एकदम मुंह में घुल जाने वाला मसाला गुड़ एकदम तैयार हो गया है हमारा। इसमें हमने मूंगफली का पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर इसमें डाल सकते हैं। आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो इसका आधा पीस ही काफी होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।